हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, इसको सबको चालू मारो गोली। अभी आदि पुरुष का टीजर आ चुका है और वो टीजर जब मैंने देखा तो मेरे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सबका लुक कैसा होने वाला है, प्रभु श्री राम को कैसे दिखाया जाएगा, हनुमान जी को कैसे दिखाया जाएगा, कृति सैनन है सीता माता कैसे दिखाया जाएगा। बहुत सारे सवाल थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये समझ में आ गया कि जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बट थोड़ा सा VFX का इस्तेमाल करके, CGI का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा कार्टूनिश एनिमेशन रूप भी दिया गया है टू एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कि इंसैचुएट द एंटायर फीलिंग के उस टाइम पे हुआ क्या होगा, वो उस तरीके से यहाँ पर पूरा दिख रहा है। काफी इंटेंसिफाइड लगेगा जब ये स्क्रीन के ऊपर होगा। बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिसके अंदर चेहरा तो जैसे प्रभु श्री राम जैसे मान लीजिए प्रभास का है, लेकिन जो बॉडी है नीचे वो बॉडी जो है उन्होंने कार्टूनाइज थोड़ी सी करी है, एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। सेम फॉर हनुमान जी, सेम फॉर वानर सेना, सेम फॉर लंकेश जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा अलग तरीके के अवतार के अंदर दिख रहा है सैफ अली खान, और कहीं ना कहीं तानाजी के अंदर जो उसका रोल था उसकी भी थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है। काफी मेरे को ऐसा लगा कि अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखनी है तो इट गोज बैक इन टाइम जब ये द लेजेंड ऑफ हनुमान आई थी हॉटस्टार के ऊपर। अगर आपने वो सीरीज देखी हो तो उस तरीके का आपको फ्लेवर ज्यादा आता है, ना कि मूवी का फ्लेवर ज्यादा आता है। ये थोड़ी सी मुझे एक थोड़ा सा लगा, मुझे या तो एक चीज देखनी थी कि इंटायरली रामायण के साइड पर जाती, या फिर मुझे ये देखना था कि किस तरीके से हम आज के जमाने में रामायण का रेलिवेंस लेके आते हैं। ये इंटायरली रामायण है लेकिन हाफ ह्यूमनाइज्ड है, हाफ एनिमेशन तरीके से दिखाई गई है, और एनिमेशन में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, VFX करने की भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जो ह्यूमंस के ऊपर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर भी नहीं हो सकती हैं। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ओम रॉथ जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना प्लंज लिया है, बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है कि इसको हम जिस तरीके से दिखाएंगे इसको थोड़ा सा हमें एनिमेट करना पड़ेगा। जो एनिमेशन भी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कई कई सीन में तो वो सीमलेस लग रहा है, वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो एनिमेशन है, कुछ कुछ सीन में कुछ ज्यादा ही लग रहा है। तो ये सीमलेस कैसे एक्सपीरियंस होगा, एक ऐसी दुनिया जहां पर रियल वर्ल्ड भी है और एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि बनावटी वर्ल्ड भी है, वो कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन रामचंद्र जी तो निकल पड़े हैं रावण की वाट लगाने के लिए और वो जो वाट लगेगी वो तो लगेगी लगेगी। कितना दिल को भाती है, कितनी भक्ति ये जिसे कहते हैं ना कि इग्नाइट कर पाती है मन के अंदर, वही इसका सक्सेस डिटरमिन करेगी। आपको कैसा लगा ये ब्लेंड कमेंट करके जरूर बताना। एक नई सोच है, नया तरीके की अटेम्प्ट है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये बेकार है। मेरे को नहीं लगता कि इसको बेकार बोलना चाहिए। यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स विद द ऑडियंस, यू नेवर नो कि ये जो ब्लेंड है ह्यूमनाइज्ड और एनिमेशन का वर्जन, हो सकता है कि आज तक की देखने का जो नजरिया है वही बदल दे। वो ऐसे मोमेंट्स जो जैसे कहते हैं ना जो लार्जर सुपर लार्जर गॉडली होते हैं, वो हो सकता है उसको दिखाने के लिए हमें बिल्कुल ही थोड़ा सा एनिमेशन का सहारा चाहिए हो, जो रोम ओम रॉथ देख पा रहे हो, जो अभी हम फील ना कर पा रहे हो। अभी टीजर के अंदर हमें ज्यादा जो झलकियां दिखी हैं वो श्री राम की और रावण की दिखी हैं, बाकी ज्यादा लोग दिखे नहीं हैं। थोड़ा सा हनुमान जी भी हमें दिखे हैं बलिष्ठ रूप के अंदर, बट लेट्स सी। हर किरदार के अंदर जो सॉफ्टनेस चाहिए, जो आपको भावना चाहिए, अगर वो इग्नाइट हो गई तो इट विल फॉल इन द राइट प्लेस। टीजर के हिसाब से अभी मुझे ऐसा लगता है इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ट्रेलर का, ताकि हम एग्जैक्ट मूड इसका गेज कर पाएं, क्योंकि ये जो ब्लेंडेड निकला ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहा था। बाकी हम जल्दी मिलते हैं एक रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।